हम वोटे वोटे के बाद कहां पहुंचे? हम 28 साल से सिर्फ संघर्ष करे जानी थे, खड़ा हो जानी थे, लड़े जानी थे, जो जायज बात हुई उसके खातिर हमेशा लड़न है, लड़बे करब। और वहाँ बड़े बड़े काम अधूरे, जिला का मुद्दा अधूरा है, बाढ़ सागर पानी की बात अधूरी है। हमारे सबका आसान यही है विधायक जी सुखेंद्र सिंह बन्ना जी। पूर्व विधायक की लोकप्रियता कह लें या पूर्व विधायक की कार्यशैली, जिन्हें लोग अभी भी बखूबी पसंद कर रहे हैं, अभी भी लोग इन्हें विधायक का दर्जा ही दे रहे हैं। वहीं हम आपको बताते चले, हनुमना तहसील के ग्राम पंचायत पाती मिश्रान के किसुंदा के एक कार्यक्रम में मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना पहुंचे। वहीं लोगों की समस्याओं को भी सुना, वहीं मऊगंज के विकास के मुद्दों पर भी बात की। मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि अभी भी मऊगंज जिला और बाढ़ सागर का पानी मेरा मुद्दा अभी भी अधूरा है। वहीं इस कार्यक्रम में वरिष्ठ ग्रामीण जन भी मौजूद रहे। मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने बृजेंद्र पांडे की भी तारीफें की। हमहू के बात की खुशी है कि आज अब इस क्षेत्र का लोग जनता नहीं के तीसरे विधायक की मानस है। सुखेंद्र सिंह विधायक है, ये अच्छा करत है, ये बुरा करत है, एक एक खातिर भावना के धन्यवाद करी थे। हमारे पाती बन्ना और बदौहा के आपको देख करके आने वाली पीढ़ी एक अच्छा सोचेगी, अच्छा करने का प्रयास करेगी। जिला का मुद्दा अधूरा है, बाढ़ सागर पानी की बात अधूरी है, पानी बिजली शर्त जितना करत बना उतना कर रहे, और शिक्षा का स्तर कमजोर भर लगभग 15-20 साल में स्वाभाविक है। शराब ज्यादा बिके लाग, शिक्षा का स्तर कमजोर। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कोनो खोखला का विषय न। दिग्विजय सिंह के लोग कहते हैं कि अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है, कोने बात पर कहते। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री बना रहे, टोला मजलन पर स्कूल खुली रही, जहां 500 लोग बसती रही, एक स्कूल खोली गई, एक मास्टर रखा गया, वह शिक्षा गारंटी मास्टर आज प्राचार्य बने बैठे हैं। ये उस टाइम का शिक्षा का स्तर, आज शिक्षा के स्कूल तोड़ी जा रही, जहाँ 8वीं तक स्कूल रही वहां स्कूल तोड़ दी। विजेंद्र बताओ, तू तो हमसे ज्यादा ये सब चीजों के ज्ञान रखे, हम तो बस देखी सुनी और सब सारी बात करते हैं। तो शिक्षा का स्तर तो बुरी तरह से चौपट, अब वहां विधानसभा चलत रही, सारी बात सबके देखबे भी होगा, सुनबे भी होगा, कितना कर्ज बढ़ गए, सरकार कितना कर्ज लेके घी पी अल्लाह का, ये सब दुनियादारी बहुत बतावे की जरूरत नहीं है। अब आज यहाँ से बेहतरीन बात है, यहाँ का दुख सुख सब अपना कोनो बहुत बतावे की जरूरत नहीं आए, अब बातचीत होत रही, काम धाम होत रही। हाँ, एकजुटता रहे, अब एकजुटता में लाठी लड़ना न चले कि एकजुट होकर लाठी लड़ना चले, अच्छे काम खातिर एकजुटता रहे, समझ गए ना। हम भाई चुनाव लड़न तो बताया नहीं कि 28 साल संघर्ष करे हैं, उनमें हमारे भर संघर्ष नहीं है। तुम बजे पता नहीं कितनी रैली करे, कितने बड़े बड़े आंदोलन में शामिल रहे, थोड़ा कूच नीच पड़ा, कितने जो लोग लाठी खाता नहीं, लाठी खात रही हमारे काबिलियत रही कौने आंदोलन में शामिल नहीं। तो यार इसको और मजबूत करने की जरूरत, और बहुत सारी बात। और फिर यहाँ आज का इस कार्यक्रम का उद्देश्य, काफी दिनों से मैं इधर नहीं आया था और कुछ छोटी मोटी समस्याएं थी, और सब बातों को लेकर के लोगों ने मुझे बुलाया भी था, और मुझे भी आने की इच्छा थी, इसके लिए कार्यक्रम रखा था, और उस कार्यक्रम के माध्यम से सबकी बातों को सुनी गई है, और जो भी संभव है उसके लिए भी प्रयास भी किया जाए।